हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज हम आप पहुंचे हैं हमारे एंटी फंगल ड्रग का फाइनल और लास्ट पार्ट। इसके साथ ही हमारा एंटी फंगल ड्रग कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फॉर एंटी फंगल ड्रग, और इसके अंदर का आज का जो ड्रग है वह है ग्राइसियोफुल्विन। ये जो ग्राइसियोफुल्विन है, इनको मैं अगर इनके काम करने के तरीके के हिसाब से क्लासीफाई करूं तो मैं इनको इस क्लास के अंदर रख सकता हूं, वह है ड्रग एक्टिंग ऑन न्यूक्लियस। यह आपने क्लासिफिकेशन में देखा ही है। तो आपने ये देखा कि कुछ ड्रग ऐसे होते हैं अब तक कि जो कि आपके फंगल के सेल मेम्ब्रेन पे काम करते हैं, कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो कि फंगल के सेल वॉल के ऊपर काम करते हैं, और कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो कि बेसिक एंजाइम को अफेक्ट करके आगे के प्रोसेस को, उनके सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बनने वाले एंजाइम को अफेक्ट करके काम करते हैं। तो आज हम जिस ड्रग के बारे में बात करेंगे, ये ड्रग फंगल सेल के अंदर पाए जाने वाले न्यूक्लियस के अंदर होने वाली बेसिक सेल डिवीजन के प्रोसेस को अफेक्ट करेगी और इसके तरीके से फंगल की ग्रोथ को इनहिबिट करेगी। चूंकि यहां पे आपके माइटोसिस को अफेक्ट करने वाले हैं आपके आज के ड्रग, इसलिए ये सेल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन सेल के जो ग्रोथ है, सेल का जो डिवीजन है, इसको स्टॉप करके रख रहे हैं, उसको इनहिबिट कर रहे हैं। तो आप इसी समझ सकते हैं कि ये आपका फंगिसाइडल तो नहीं होगा, क्योंकि ये इनहिबिट कर रहा है, खत्म नहीं कर रहा, इसलिए इनको हम रखते हैं। तो वो है इनका फंगिस्टैटिक क्लासेस के अंदर। तो ये आपके जो इनहिबिट करेंगे न्यूक्लियस को, वो आगे जाकर किसको भी अफेक्ट करेंगे, ये ऑल्सो अफेक्ट करेंगे प्रोटीन के सिंथेसिस को। सो यू नो इट वेरी वेल कि प्रोटीन भी बहुत जरूरी है और सेल का डिवीजन भी बहुत जरूरी है। तो अगर हम किसी तरीके से न्यूक्लियस के अंदर सेल डिवीजन को रिस्पॉन्सिबल करने वाले जो माइटोटिक स्पिंडल है, इनको अफेक्ट करेंगे, कहीं ना कहीं से इनका माइटोसिस और फिर आगे जाकर के सेल के लिए इंपॉर्टेंट प्रोटीन की सिंथेसिस भी अफेक्ट हो जाएगी। दूसरा, दिस आर इट मीन्स ग्राइसोफुल्विन आर फंगिस्टैटिक इन एक्शन और फंगिस्टैटिक ड्रग। ये भी आप जानते हैं कि ग्रोथ को कम करेंगे, साथ ही साथ दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम, नाउ ये आपके एमसीक्यूज का हो सकता है, ये कहां से डिराइव किए जाते हैं। ग्राइसोफुल्विन एज एंटी फंगल ड्रग, ये डिराइव किए जाते हैं पेनिसिलिन ग्राइसोफुल्वम से। बेसिकली कुछ हद तक इनको एंटीबायोटिक के अंदर भी रखा गया था बैक्टीरिया के लिए, लेकिन उतने इफेक्टिव नहीं हुए। तो अब ये आपके एंटी फंगल ड्रग के अंदर आते हैं। अगला हम देखते हैं, दीज आर इफेक्टिव इन, ये किस किस कंडीशंस में, किन किन फंगल के द्वारा, कौन कौन से कंडीशंस के कारण से होने वाले इंफेक्शन को ठीक करें, मदद करते हैं। तो दीज आर यूजफुल फॉर सुपरफिशियल डर्मेटोफाइटोसिस, और ये आपको मैंने टेबल के फॉर्म में पहले भी बताया हुआ था कि कौन से केस में किस तरह के ड्रग को प्रेफर करते हैं। ये जो सुपरफिशियल डर्मेटोफाइटोसिस है, ये किसके द्वारा कॉज किए जाते हैं, बेसिकली इस तरह के इंफेक्शन के रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे ट्राइकोफाइटोन और माइक्रोस्पोरम एंड एपिडर्मोफाइटोन। ये तीन तरह के जो फंगल हैं, वो रिस्पॉन्सिबल है कुल मिलाकर के डर्मेटोफाइटोसिस को कॉज करने के लिए। तो ये एक इंडिकेशन है कि इनका यूज कहां करें। अब आते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के लिए। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को हम दो तरीके से समझेंगे, एक यहां पे आप 1-to-1 के फॉर्म समझेंगे, दूसरा आपको मैं इसी के बीच में एक डायग्राम इंक्लूड कर दूंगा। जैसे ये पॉइंट खत्म होगा, फिर मैं आपको एक लाइव डेमो के साथ से भी समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले खत्म करते हैं इन 1-to-1 को, कैसे ये आपके फंगल सेल की ग्रोथ को अफेक्ट करेगा, कैसे उनको स्टैटिक मैनर में कंट्रोल करेंगे। तो सबसे पहले जो सीक्वेंस है इनके एक्शन का, मैकेनिज्म का, वो पहला है, कहता है ग्राइसोफुल्विन बाइंड्स टू माइक्रोट्यूबुलर प्रोटीन इन न्यूक्लियस, यानी कि ये जो माइक्रोट्यूबुलर प्रोटीन है वो आपके फंगल सेल के डिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है, हमको इसके डिवीजन को इनहिबिट करना है, इसलिए ये एक सही जगह है कि इन पे अफेक्ट किया जाए, इन पे बाइंड हुआ जाए और ग्रोथ को आगे रोक दिया जाए। सो ये होते हैं इसी माइक्रोट्यूबुलर प्रोटीन पे। और ये माइक्रोट्यूबुलर प्रोटीन कहां पे पाए जाएंगे, ये पाए जाएंगे फंगल सेल के न्यूक्लियस में। और आप ये भी जानकारी रखते हैं जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए, कि फंगल के सेल में पाया जाएगा न्यूक्लियस विद न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, और ये इसी की एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है यूकैरियोट्स का, बिकॉज फंगल सेल आर एग्जांपल ऑफ यूकैरियोट्स। तो ये चीजें कहां हो रही है कुल मिलाकर के, न्यूक्लियस में, तभी तो ये रखा गया है ड्रग एक्टिंग ऑन न्यूक्लियस ऑफ फंगल सेल। दूसरा देखिए स्टेप, डिसरप्ट द माइटोटिक स्पिंडल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज, आपको याद रखनी चाहिए। डिसरप्ट मतलब डिस्ट्रॉय कर देता है, किसको, माइटोटिक स्पिंडल को। ये दो लाइन आपने फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा सेल डिवीजन के अकॉर्डिंगली, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहां पे रिवाइज नहीं करूंगा व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन माइटोटिक या माइटोसिस के बीच में, माइटोसिस और मियोसिस के बीच में क्या डिफरेंस है, यह भी आप समझ सकते हैं।
फिर भी एकदम शॉर्ट में आपको समझाऊं, कहीं भी एक ट्रिक है, अगर माइटोटिक या माइटोसिस के बारे में हम बात कर रहे हैं तो इस टी वर्ड पे ध्यान दें। ये जो टी वर्ड है वो आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि ये कहना क्या चाहता है। तो दिस कॉल्ड डिवीजन ऑफ सेल विच ब्रेक और स्प्लिट द सेल इनटू टू पार्ट्स। तो ये आपका माइटोसिस कहलाएगा। डिटेल पे आप पुराने एचएफपी से आप समझ सकते हैं। इसी माइटोटिक को कॉज करने के लिए स्पिंडल्स की आवश्यकता होती है, यानी कि एक रस्सी जैसे स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है जो दोनों को अपनी ओर इस तरह से खींचते हैं और आपका जो सेल है इस तरह से ओवल शेप से हटता हुआ अलग अलग और इस तरह से बन जाते हैं। इसको समझने के प्रयास करते हैं और उसके आगे पहले पॉइंट देख लेते हैं। इसके बाद क्या होता है, दिस कंडीशंस इनहिबिट द माइटोसिस इन फंगल। इसके कारण से जो फंगल सेल में माइटोसिस हो रहा होगा वो अफेक्ट हो जाएगा और उसका जो ग्रोथ है डिवीजन है वो भी रुक जाएगा वहां पे। फिर देखिए, गेट डिपॉजिट इन न्यूली फॉर्मिंग स्किन। साथ ही साथ जो आपके ग्राइसोफुलमिन है वो चूंकि स्किन में डिपॉजिट हो जाते हैं, ब्लड के जाने के बाद घूमने के बाद डिपॉजिट होना शुरू होते हैं, इसलिए स्किन में डिपॉजिट होने के बाद खासकर कैरेटराइज स्किन में ये आगे ऐसे कंडीशंस को भी रोकने का काम करते हैं जहां पे वो फंगल इंफेक्शन नए बन रहे स्किन पे अफेक्ट कर सकता था। क्योंकि ये ऑलरेडी स्किन पे डिपॉजिट हो गए हैं इसलिए फंगल के इंफेक्शन को नियर बाय न्यूली फॉर्मिंग सेल पे अफेक्ट नहीं कर पाएगा। और ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन हो गया, दैट्स व्हाई लिखा हुआ है कि इट इज नियरली फॉर्मिंग स्किन बाइंड्स टू केराटिन एंड प्रोटेक्ट स्किन फ्रॉम गेटिंग न्यूली इंफेक्टेड। आगे आने वाले केराटिनाइज्ड पार्ट्स पे इंफेक्शन से ये भी आपको बचाने का प्रयास करता है। ये तो हो गई इनकी थ्योरी मैकेनिज्म के अकॉर्डिंगली। अब मैं आपको समझाता हूं कि ये होता कैसा होगा। सबसे पहले ये देखते हैं, ये एक सेल है, सेल नॉर्मल है, ये स्प्लिट होगा, माइटोसिस होगा तो दो पार्ट में डिवीजन होंगे। ये इस तरीके से अगर आप रफ समझे ओवल है तो ये आगे जाकर के स्पिंडल के ब्रेक होने की वजह से इस तरीके से फॉर्म में आएगा और ये धीरे से अलग होकर के दो सेल बना लेंगे। इसको समझाने के लिए मैंने सिंपल सा एक रफ पेपर यूज किए हैं, आई होप कि आपको समझ में आ जाए। ये जो आप बीच में देख रहे हैं ये आपके क्रोमोसोम वगैरह है अलग अलग, जस्ट फॉर रफ एक्सप्लेनेशन, नॉट एक्जैक्टली व्हाट इज इट इज हैपनिंग। सो ये जो आप रस्सी देख रहे हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड, यही स्पिंडल है जो इनको धीरे धीरे खींचने का प्रयास करेंगे। ये जब खींचेंगे तो दोनों अपने आप अलग हो जाएंगे। मैं यहां पर आपको खींच के नहीं दिखाने वाला हूं, क्योंकि जो आगे का प्रोसेस है वो अफेक्ट हो जाएगा एक बार ब्रेक हो गया तो ये खींचेंगे। आप देख सकते हैं कि इसको अगर मैं खींचूं तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ये अलग होंगे, अलग अलग सेल बन जाएंगे। यहां पर हमारे जो ग्राइसोफुलमिन है वो इसी स्पिंडल को अफेक्ट करते हैं। ये जो स्पिंडल रस्सियां आप देख रहे हैं इनको ब्रेक करता है। देखिए लिखा हुआ है डिसरप्ट। ये कैसे डिसरप्ट करेगा समझते हैं। ये ग्राइसोफुलमिन है अगर ये सीजर तो ये इनको ब्रेक कर देगा इस तरीके से स्पिंडल को। अब ये स्पिंडल को कौन खींचेगा, ये स्पिंडल है ही नहीं तो इसको ब्रेक करने वाले कौन है। इस तरह से हमारा जो सेल डिवीजन होना था वो सेल डिवीजन नहीं हो पाएगा, माइटोसिस के प्रोसेस को अफेक्ट करेंगे। और इस तरीके से ग्राइसोफिल्मिंग एक फंगस स्टैटिक एक्शन जो है उनका मैकेनिज्म के रूप में देता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि कुछ फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर या प्रोफाइल के बारे में। तो फर्स्ट ये तो ओरली लिया जाएगा क्योंकि ये कुछ हद तक इंपॉर्टेंट अपना इफेक्ट शो कर सकते हैं, बट पुअरली वाटर सोल्यूबल होते हैं और पुअरली वाटर सोल्यूबल होने के कारण से इनका जो इफेक्ट है वो भी आप देख पाएंगे अगर बायो अवेलेबिलिटी करस्पॉन्डिंग में, तो वो भी पुअर है। बायो अवेलेबिलिटी आप जानते हैं, मैं एक बार शॉर्ट में रिवाइज करूंगा। आप में से कुछ लोग का कहना भी यह है कि हम रिवाइज क्यों करते हैं, बट आई विल कीप कंटिन्यूइंग द रिवीजन। अगर आप चाहें तो उसको स्किप कर सकते हैं वरना सुने इसको। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब होता है द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग विच इज एब्जॉर्ब फ्रॉम एंडोजेनस फॉर्म एंड रीच द सिस्टमिक सर्कुलेशन। कौन सा ड्रग कितने समय में कितने मात्रा में आपके डोजेस फॉर्म से अल्टीमेटली आपके ब्लड तक पहुंचता है ताकि वो एक्शन इनिशिएट कर सके, यही कहलाती है बायोअवेलेबिलिटी। तो इनकी जो बायोअवेलेबिलिटी है वो पुअर है। दूसरा, एब्जॉर्प्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय यूजिंग माइक्रोफाइन पार्टिकल्स एंड विद द फैटी फूड सब्सटेंस। मतलब क्या हुआ, इनका अगर एब्जॉर्प्शन, क्योंकि बायोअवेलेबिलिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर में से एक फैक्टर एब्जॉर्प्शन भी है। अगर आप चाहते हैं बायोअवेलेबिलिटी की डिटेल से जानना तो आप हमारे वीडियो पर सर्च कर सकते हैं, दो वीडियो आपको मिल जाएंगे फैक्टर अफेक्टिंग के लिए भी और नॉर्मल बायोअवेलेबिलिटी के लिए भी। सो अगर मैं इनकी बायोअवेलेबिलिटी को इंक्रीज करना चाहता हूं तो हमको इनको क्या करना चाहिए, इनको माइक्रोफाइन पार्टिकल में कन्वर्ट करना चाहिए। साथ ही साथ इस तरह के जो एंटीफंगल ड्रग हैं ग्राइसोफुलमिन, इनको फैटी फूड के साथ लेना चाहिए क्योंकि इनके एब्जॉर्प्शन को ये दो चीजें हैं वो ना फैसिलिटेट करती हैं। इसके बाद देखिए, एब्जॉर्प्शन के साथ साथ अगला जो पैरामीटर है, इट इज माइक्रोसोमल एंजाइम इंड्यूसर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस विच कैन बी कंसिडर अंडर द ड्रग इंटरेक्शन ऑल्सो। ये जो है वो माइक्रोसोमल एंजाइम इंड्यूसर है।
यानी कि अगर मैं इसको ले रहा हूं और साथ में कोई और अदर तरह के ड्रग भी ले रहा हूं तो ये आपके हिपेटिक मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल माइक्रोसोमल एंजाइम को इंड्यूस करेगा, उनकी मात्रा को बढ़ाएगा। इसके ऊपर भी वीडियो है माइक्रोसोमल एंजाइम इंड्यूसर, वो भी देख सकते हैं। तो एंजाइम का इंड्यूशन होगा तो अदर ड्रग जो आपने लिए हैं वो उनकी एक्टिविटी को स्लो डाउन कर देगा क्योंकि मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा। और यही रीजन है कि इट अफेक्ट और बेसिकली इनहिबिट द अदर ड्रग विच इज बीइंग टेकन साइमल्टेनियसली, और यही एक मेन रीजन है जो कि दूसरे ड्रग के एक्शन को कम कर सकता है अगर साथ में आप ग्राइसोफुल्विन एज अ एंटीफंगल ड्रग के रूप में ले रहे हैं। इसके अंदर आपने पिछले बार भी देखा फेनिटोइन, वारफेरिन, इनको भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। साथ ही साथ देखिए इनके कुछ पॉसिबल इंटरेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। वही चीज है कि इसके साथ कौन सा ड्रग लूं तो वो ड्रग इसके एक्शन को या ये ड्रग उस ड्रग के एक्शन को अफेक्ट करेगा। दैट इज सिंपली कंसीडर अंडर द ड्रग ड्रग इंटरेक्शन और सिंपली ड्रग इंटरेक्शन। तो ये क्या क्या है, पहला देखिए फेनोबारबिटोन, ये अगर हम लेते हैं फेनोबारबिटोन को इसके साथ ग्राइसोफुल्विन के साथ तो फेनोबारबिटोन अफेक्ट करेगा किसको, इट फेनोबारबिटोन विल इनहिबिट द एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्राइसोफुल्विन। फेनोबारबिटोन एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्राइसोफुल्विन को अफेक्ट कर रहा है और जब एब्जॉर्प्शन अफेक्ट होगा तो उसका इफेक्ट ही तो कम मिलेगा। अगर कोई चीज एब्जॉर्ब होकर अपना इफेक्ट शो करती, इसके एब्जॉर्प्शन को कोई और अफेक्ट कर दे रहा है तो वो अपना इफेक्ट पहले के जैसा नॉर्मली कैसे दे सकता है, दिस इज सिंपल सा लॉजिक। दूसरा देखिए ग्राइसोफुल्विन, अब ये तो किसी और ड्रग ने ग्राइसोफुल्विन को अफेक्ट किया, अब ग्राइसोफुल्विन और कौन कौन से अदर ड्रग को अफेक्ट करेगा। देखिए दो चीजें हैं आपस में, एक हमारा लेफ्ट वाला कोई अदर ड्रग है, राइट वाला ग्राइसोफुल्विन है, ये इसको अफेक्ट कर सकता है तो जरूरी तो है कि ये भी इसको अफेक्ट कर सकता है। तो इस दोनों के अफेक्ट होने की वजह से क्योंकि दोनों आपने लिए थे दोनों ड्रग, नुकसान तो आप ही का है कहीं ना कहीं। तो देखिए क्या कहता है, ग्राइसोफुल्विन इंक्रीज द वारफेरिन मेटाबॉलिज्म, वारफेरिन का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाएगा तो वारफेरिन की एक्टिविटी कम हो जाएगी। अगला है अल्कोहल शुड बी अवॉइडेड, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप उम्मीद करता हूं कि आप इसको याद रखेंगे एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। अल्कोहल का कंजप्शन इस ग्राइसोफुल्विन के ट्रीटमेंट के टाइम अगर एंटीफंगल ड्रग के रूप में आप यूज कर रहे हैं तो आपको अल्कोहल को यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि अल्कोहल इनटॉलरेंस कॉज कराएगा आपकी बॉडी में, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि जो हमारा ग्राइसोफुल्विन है वह डाइसल्फेरॉन की तरह से काम करता है। और आपने अल्कोहल एंड डाइसल्फेरॉन के पूरे वीडियो तो हमारे चैनल पर देखे हुए, कैसे अल्कोहल को छुड़ाने के लिए हम डाइसल्फेरॉन का यूज करते हैं उसका मैकेनिज्म आपने देखा, वो एक हैंगओवर, एक हेडेक, एक वोमिटिंग और डिस्कम्फर्ट क्रैम्प का फीलिंग कॉज कराएगा, इसीलिए उसको हमारी बॉडी टॉलरेट नहीं कर पाती। सो अगर आपने ग्राइसोफुल्विन लिया हुआ है और अगर आप अल्कोहलिक पेशेंट हैं तो ये जो ग्राइसोफुल्विन है वो आपके डाइसल्फेरॉन जैसा काम करेगा, अल्कोहल के आते ही आपकी बॉडी में अनवांटेड इफेक्ट, हैंगओवर, ये सब चीजें जो मैंने आप डिस्कस की वो शुरू हो जाएगी। इसके कारण से अल्कोहल को इसके साथ नहीं लेना चाहिए वरना बहुत ज्यादा पेन होगा, हेडेक होगा और आपको अनकंफर्टेबल लगेगा। So, ये तो सिंपल सी बात हो गई। अब इस वीडियो के बाद मैं ऐड कर रहा हूं इसको समझाने के लिए डायग्राम, जैसा मैंने पहले ही कहा था कि मैं आपको मैकेनिज्म को समझाऊंगा तो इस मैकेनिज्म को समझाने के लिए एक आपको इमेज मिलेगा जो कि हमारा बनाया हुआ नहीं है, ये हमने नेट से लिया रहेंगे और इसको रेफरेंस आपको दे देंगे। सो फ्रेंड दैट्स ऑल फॉर द डे, आज के इस ग्राइसोफुल्विन के साथ ही हमने अपना एंटीफंगल ड्रग का लेक्चर पूरी तरह से कंप्लीट किया। अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे बड़ी जल्दी। सो फ्रेंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली थोड़ी देर बाद इमेज के देखने के बाद आप ले सकते हैं। रेफरेंस की बात करूं तो इसको मैंने लिया है पी जगदीप प्रसाद, पद्मदा उदय कुमार, केडी त्रिपाठी, कैटजंग, इन चारों को मिला करके। नमस्कार।